महाराष्ट्र के अटगांव और असनगांव के बीच रेलवे ट्रैक में घुसा गैस टैंकर, सुरक्षा कारणों से नॉर्थ ईस्ट के अप और डाउन दोनों लाइनों पर यातायात निलंबित कर दिया गया था, बाद में गैस टैंकर को हटाया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें बढ़ी, गृह मंत्री ने कहा पिछली सरकार में हुई फोन टैपिंग की होगी जांच। बीजेपी विधायकों के निलंबन पर संजय राउत का तंज, बोले फडणवीस जी आपने भी 19 एमएलए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाया था। मध्य प्रदेश में इंसानियत शर्मसार, सिर्फ 120 रुपए के लिए भांजे ने मामा को मौत के घाट उतारा, मछली फ्राई को लेकर हुआ था विवाद। डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन 8 गुना कम असरदार, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की स्टडी में आया सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई राज्यों के राज्यपाल बदले, थराव चंद को बनाया गया कर्नाटक का गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, समिति दायरे में पूरी जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की अनुमति, पूरे उड़ीसा में मंजूरी से इनकार। स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाएगी सरकार, पोलियो ड्रॉप की तरह गांव-गांव पहुंचाएगी। कोच्चि नेवल बेस पर 19 साल के नौसेना कर्मी का मिला शव, शरीर पर गोलियों के निशान, जांच शुरू। बंगाल में विधान परिषद के गठन को मंजूरी मिल गई है, बंगाल विधानसभा ने संविधान की धारा 169 के तहत राज्य में विधान परिषद के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित।